पिक्चर आपको तस्वीर कहानी दिखाई जा रही है, अब आप इसकी मदद से आप अपने अल्फाज में एक कहानी तख्लीक कीजिए, यानी कि आप उनको लिखिए। अब इस वीडियो को गौर से देखिए कि आप इसमें सबसे पहले क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या चीज आपको नजर आ रही है, क्या जानवर, क्या आपने देखा यहाँ पे, क्या पाया। और से देखिए जो चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन चीजों को आप ज़हन में रख सकते हैं उनको ज़हन में रखिए। गौर से देखिए बगौर, क्या इनके बीच में बातचीत हो रही है, क्या इमेजिन आप कर सकते हैं उसको ज़हन में रखिए। क्या बातचीत कर सकते हैं ये, इस मौजू को मुंतखब करेंगे तो खुद ब खुद आपके जहन में ये चीजें आएंगी। और मजीद कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करना बेटा बहुत जरूरी है, ये कहानी लिखने के बहुत अहम पॉइंट है। जितना अच्छा आप जिस बारे में जानते हैं उस मौजू पे लिखना उतना ही आसान होता है। हर कहानी का शुरू निहायत दिलचस्प होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला वो बिल्कुल बोर नहीं हो। कैरेक्टर बहुत अच्छा हमेशा चूज कीजिएगा, जितना अच्छा कैरेक्टर आप चूज करेंगे उतना ही अच्छी आपकी कहानी का स्टार्ट यानी आगाज होगा। माहौल को बहुत अच्छे से बयान कीजिए, दूसरे एम पॉइंट में हमने ये बात की थी कि माहौल कैसा है, वेदर कैसा है, इस चीज को बोलेगा ताकि इमेजिन कर सके आपका रीडर। तीसरे पॉइंट में हमने ये कहा था कि स्टोरी की लाइंस जो हैं, स्टोरी जो है वो अच्छी इंटरेस्टिंग सेंटेंस में होनी चाहिए, अच्छे जुमलों में होनी चाहिए ताकि रीडर को बोरियत का एहसास नहीं हो। चौथा पॉइंट कि कैरेक्टर को क्या प्रॉब्लम थी। अब आपने इस कहानी में तस्वीरी वीडियो कहानी में आप ये देख रहे होंगे कि कोई प्रॉब्लम तो थी इन लोगों के बीच। चौथा कि आपकी एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंडिंग हमेशा ऐसी रखिएगा के पढ़ने वाला को ये एंड बिल्कुल ऐसा हो जो समझ में आ रहा हो। इस तरह की एंडिंग करने से आपका कहानी का एंड जो है वो निहायत बहुत ही पुरवकार तरीके से ख़त्म होगा। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसी लास्ट स्टोरी जो आपको दिखाई गई है इसी को देखते हुए आप एक कहानी लिखिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।